दोस्तों, टेक स्टेप्स के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किस तरह आप जीमेल में आए हुए किसी भी ईमेल को स्पैम रिपोर्ट कर सकते हैं। यानी कि अगर आपको लगता है कि कोई भी ईमेल अगर स्पैम है तो आप उसको कैसे जीमेल को रिपोर्ट कर सकते हैं कि वो स्पैम है, ये मैं आपको समझाऊंगा इस वीडियो में। तो वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो करना ना भूलिएगा, साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा जिससे मेरे हर लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए दोस्तों, मैं जीमेल ओपन कर लेता हूँ। दोस्तों, जीमेल ओपन हो चुका है। आपको जो भी ईमेल लगता है कि स्पैम है और उसे रिपोर्ट करना ज़रूरी है तो उस ईमेल को ओपन कर लीजिए। मैंने अपने आप को एक ईमेल भेजा है जिसमें टेस्ट ईमेल सब्जेक्ट है, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। और ऊपर की तरफ तीन डॉट्स मिलेंगे, इस पर टैप करिए और यहाँ पर एक मेन्यू ओपन हो जाएगा जिसमें आखिरी से तीसरा ऑप्शन आपको मिलेगा रिपोर्ट स्पैम का, इस पर आप टैप करिए। टैप करते ही दोस्तों आपको नीचे मैसेज आ जाएगा, वन रिपोर्टेड एज स्पैम। अगर आप वापस अंडू करना चाहते हैं तो अंडू का ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। और दोस्तों, अब मैं आपको स्पैम फोल्डर पे ले चलता हूँ। स्पैम फोल्डर पे जाने के लिए ऊपर की तरफ लेफ्ट साइड में तीन लाइन्स हैं, इस पर टैप करिए। टैप करते ही मेन्यू ओपन हो जाएगा और मेन्यू में स्क्रॉल करते हुए नीचे जाइए और यहाँ पर आपको देखिए स्पैम का ऑप्शन मिलेगा, इस पर टैप करिए। जितने भी स्पैम में ईमेल हैं, यानी कि जीमेल खुद से भी बहुत सारे स्पैम ईमेल्स को कंट्रोल करता है और कुछ ईमेल जिनको आपने रिपोर्ट किए स्पैम जैसे, वो भी आपको यहाँ पर दिखाएगा। स्पैम को एम्प्टी करना चाहते हैं तो यहाँ पे एम्प्टी स्पैम नाउ का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आप टैप कर सकते हैं। स्पैम फोल्डर पूरा एम्प्टी हो जाएगा और यहाँ पर एक मैसेज आप देख सकते हैं कि स्पैम में 30 दिन में स्पैम फोल्डर में जो भी ईमेल्स हैं वो 30 दिन बाद ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएंगे। तो आपको इसको डिलीट करने की वैसे ज़रूरत है नहीं, जीमेल ये खुद ही कंट्रोल करता है। तो दोस्तों, इस तरह से आप जीमेल में स्पैम ईमेल को स्पैम जैसे रिपोर्ट कर सकते हैं जीमेल को, बताए हुए स्टेप्स को फॉलो कर। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और पसंद भी आया होगा। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में।